ऑल ऑफ यू, मैं सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा सा फेवरेट सा चैनल संकल्प अकेडमी प्लस। इसके पहले मैंने क्लास 12th का हेलो अल्केन और हेलो एलिन पूरा वन स्लॉट में कंप्लीट कर दिया है। मींस आपका पूरी टॉपिक हेलो अल्केन और हेलो एलिन ये पूरी खत्म हो चुकी है। दूसरा लेसन मैं आपके साथ लेकर के आगे चल रहा हूँ जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ऑल्सो द ईथर, जिसका मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट दे दिया है। दैट इज कॉल्ड मैंने कंप्लीट कर दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल और इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर। ठीक है, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक को लेकर के आगे डिस्कस करूंगा वो हमारा टॉपिक होने जा रहा है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे लिखा जाता है, अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। पूरे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के आईयूपीएसी नेमिंग से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं। मीन्स आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, अल्कोहल का आईपीएससी नेमिंग, फिनॉल का आईपीएससी नेमिंग, ईथर का आईपीएससी नेमिंग, ये आपके 2 मार्क्स को पक्का क्या करेगा, कवर करेगा। इसलिए आप कंसंट्रेट रहें, मैं अपने टॉपिक पे आगे डिस्कस करने चलता हूं। और सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं रूल फॉर द आईपीएससी नेमिंग ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल का आईपीएससी नेमिंग कैसे लिखा जाता है, हाउ कैन वी राइट द आईपीएससी नेम ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, क्लियर। व्हाट अबाउट एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल कहते किसे, ठीक है। एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं ओपन चेन अल्कोहल, ओपन चेन वाले जो अल्कोहल होते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल होता है। मीन्स वैसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल जिसमें ओपन चैन हो, वैसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं। मीन्स व्हाट अबाउट द डेफिनेशन, डेफिनेशन इज दैट ओपन चैन, ओपन चैन ऑफ कार्बन ऑल्सो विथ OH ग्रुप नोन एज एलिफेटिक अल्कोहल, ओपन चैन ऑफ कार्बन। यहां क्या होगा, कार्बन का क्या होगा, ओपन चैन होगा और ओपन चैन के साथ क्या होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक CH3OH, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट C2H5OH। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज CH3CH2CH2OH। दिस ऑल आर नोन एज द एलिफेटिक अल्कोहल। ये तीनों हमारे क्या है, एलिफेटिक अल्कोहल। कहता है कैसे एलिफेटिक अल्कोहल है, क्योंकि यहां जो कार्बन है ये क्या है, इसके दोनों एंड्स फ्री हैं, इसके दोनों एंड्स कार्बन के जो दोनों एंड्स है, आपका जो लेफ्ट साइड, जो आपका राइट साइडेड एंड है और जो आपका लेफ्ट साइडेड एंड है, दोनों एंड्स क्या है, खुला हुआ है, वो आगे की तरफ क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। उसमें कार्बन के नंबर को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आप एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओगे, कार्बन के नंबर को क्या करते जा सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो वैसे अल्कोहल जिसका दोनों एंड्स क्या हो, ओपन हो, मतलब कि क्लोज रिंग जिसमें ना हो, ऐसे अल्कोहल का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल। अब एलिफेटिक अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये जो कितने कंपाउंड्स है, दिस ऑल आर सिंगल बॉन्डेड एलिफेटिक अल्कोहल, डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं लाइक CH2, डबल बॉन्ड CH2OH, एक H यहां से हट जाएगा क्योंकि जब यहां पे OH लगेगा तो एक हाइड्रोजन को यहां से क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल, बट दिस इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड एलिफेटिक अल्कोहल। अनसेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड साथ साथ में हो, या सिंगल बॉन्ड के अलावा मल्टीपल बॉन्ड जिसमें होता हो, ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड, दैट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड एलिफेटिक अल्कोहल। तो ये कैसा अल्कोहल होगा, दैट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड एलिफेटिक अल्कोहल होगा। ये कैसा अल्कोहल होगा, लाइक CH, ट्रिपल बॉन्ड COH, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अल्कोहल बट दिस इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड एलिफेटिक अल्कोहल। Now we are discussing about that आईपीएससी नेमिंग ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। मैं ऐसे ही कंपाउंड्स का आपको अभी मैं क्या सिखाऊंगा, आईपीएससी नेमिंग लिखने के लिए बताऊंगा कि वैसे अल्कोहल जिसके साथ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर OH ग्रुप अटैच हो तो वैसे अल्कोहल का आईपीएससी नेमिंग कैसे किया जाता है, क्लियर। तो चलिए तो
तो इसका रूल देखते हैं हम लोग एलिफेटिक अल्कोहल का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, इसका रूल हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। रूल फर्स्ट होने जा रहा है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग दैट कार्बन थ्रू विच OH ग्रुप ऑल्सो अटैच्ड। पहला रूल ये होने जा रहा है कि सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप ऐसा लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करने वाले हो जिस लॉन्गेस्ट चैन में क्या होने चाहिए, आप सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करोगे और चैन ऐसा सेलेक्ट करोगे जिसमें वो कार्बन भी इंक्लूडेड हो जिस कार्बन से OH ग्रुप क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। यह मेरा फर्स्ट रूल है एलिफेटिक अल्कोहल का आईयूपीएसी नेमिंग का फर्स्ट रूल है, दैट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन। सबसे पहले आप कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करोगे, चैन ऐसा सेलेक्ट करोगे लॉन्गेस्ट जिसमें वो कार्बन भी इंक्लूडेड हो जिस कार्बन से OH ग्रुप क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खूब बड़ा सा लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर ली और उसमें वो कार्बन नहीं है जिससे कि OH ग्रुप क्या है, अटैच्ड है, तो ऐसे मेन चैन को क्या कर लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। दैट चैन इज नॉट बी राइट, वो हमारा चैन सही चैन नहीं होगा जिसमें कि वो कार्बन इंक्लूडेड नहीं हो जिससे कि OH ग्रुप अटैच्ड हो। तो वैसा चैन जिसमें OH ग्रुप वाला कार्बन नहीं होता है तो वो लॉन्गेस्ट चैन किसी काम का नहीं है, वो आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे कि हमें लॉन्गेस्ट चैन मिले, अगर नहीं भी मिलता है और हमें छोटा ही चैन मिल जाता है और उसमें OH ग्रुप वाला कार्बन अटैच्ड है उसे हम बेशक सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें लॉन्गेस्ट चैन भी मिले और उसके साथ वो कार्बन भी अटैच्ड हो जिससे कि OH ग्रुप क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। क्लियर, चल एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं क्योंकि कितने सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी। देखो दिस इज अ कंपाउंड, ये एक मेरा कंपाउंड है। अब इसको मैं आपको सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है बताओ, दैट इज अ टाइप ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल का। देखियो क्योंकि इसके कार्बन के दोनों एंड्स क्या है, फ्री है, आगे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इनमें कहीं से भी कोई क्या है, क्लोज रिंग नहीं है, कहीं से भी क्लोज चेन नहीं है इसमें, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल। अब देखते हैं सबसे पहले रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग विथ दैट कार्बन थ्रू विच OH ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, चल किसी बच्चे ने ये समझ लिया कि सर ने बोल दिया है कि सिर्फ लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है। तो देखो अगर कोई स्टूडेंट लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्शन कर लेता है, जैसे देख लो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अगर आप ये वाले चैन को सिलेक्ट करते हो, ये वाले चैन को, अगर आप ये वाले चैन को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो अगर आप ये वाले चैन को सिलेक्ट करते हो तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने कार्बन होंगे इसमें, बोलो 5 कार्बन होंगे, लॉन्गेस्ट चैन है क्या इससे, ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा चैन बन सकता है इसमें, ये चीज भी सोच लो। तो कहते एक चैन मेरा ये बन सकता है 1, 2, 3, 4, एक ये भी चैन मेरा बन सकता है, कौन सा, 1, 2, 3, 4, लेकिन अगर किसी ने यह सोच लिया कि सर ने बोला था कि लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है तो उसने 5 कार्बन वाला चैन सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो कार्बन उसने छोड़ दिया जिस कार्बन से क्या अटैच्ड था, क्या अटैच्ड था बोलो, OH ग्रुप अटैच्ड था। तो अगर आप ये वाला अगर चैन सेलेक्ट करते हो, भले ही ये लॉन्गेस्ट चैन है लेकिन वो कार्बन इसमें इंक्लूडेड नहीं है जिस कार्बन से क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है, क्योंकि आप जिस कंपाउंड का नाम लिखने चाहते हो उसी कंपाउंड वाले कार्बन को अगर छोड़ देते हो, अगर मुझे बुलाने जाते हो कि सुमेश तुम इधर सुनो, और मेरा मेरे को भी बुलाने जाते हो और मेरा नाम ही नहीं बुलाते, मुझे ही छोड़ देते हो, तो क्या होगा बोलो, जो तुम बुलाओगे वो क्या हो जाएगा, नाम गलत हो जाएगा। वैसे ही आप नाम लिखने चल रहे हो अल्कोहल को और अल्कोहल वाले कार्बन को ही क्या कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो ऐसा नोमेनक्लेचर क्या होता है, दैट इज द रॉन्ग, सो दिस चैन इज नॉट बी राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग पैटर्न फॉर सेलेक्शन ऑफ चैन।
ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा सिलेक्शन करने का, चयन का। तो राइट पैटर्न क्या होगा, राइट पैटर्न क्या होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मुझे लॉन्गेस्ट चैन मिले, बट अगर मुझे शॉर्ट ही चैन मिलता है और उसमें वो कार्बन इंक्लूडेड होता है जिससे कि OH ग्रुप अटैच्ड हो, वो क्या होगा, हमारा राइट होगा। इसलिए इसका अगर राइट कोई चैन पूछे, इसका राइट चैन मैं अगर बोलता हूं तो इसका राइट चैन कौन सा होगा, दैट इज CH3 CH2 OH। देन राइट चैन इज, राइट चैन कौन सा होगा, देखो राइट चैन इज 1 2 3 4। ये एक राइट चैन होगा हमारा, ये मेरा एक मेन चैन हो जाएगा, ये राइट चैन होगा, क्योंकि भले ही मुझे वन कार्बन क्या मिला, कम ही मिला, लेकिन मेरा वो कार्बन इंक्लूडेड हो गया जिसके साथ क्या अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल चैन, ये हमारा मेन चैन हो जाएगा। या फिर 1 2 3 4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मेन चैन के फॉर्म में क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। या तो आप नीचे से जाओ या फिर आप ऊपर से चले जाओ। दिस इज द राइट पैटर्न, दिस इज द राइट पैटर्न फॉर सेलेक्शन ऑफ मेन चैन। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि दैट इज द विच इज राइट पैटर्न फॉर सेलेक्शन ऑफ चैन एंड विच इज द रॉन्ग पैटर्न फॉर द सेलेक्शन ऑफ चैन। तो ये आपको क्लियर कर लेना होगा कि आप चैन ऐसा सेलेक्ट करो जिसमें वो कार्बन इंक्लूडेड हो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। क्लियर? नाउ सेकेंड नंबर क्या रूल होने वाला है वो हम लोग देखते हैं। द सेकेंड रूल इज दैट नंबरिंग ऑफ मेन चैन और प्रिंसिपल चैन, जो मैंने चैन सेलेक्ट किया है वही चैन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मेन चैन। हमने जो चैन सेलेक्ट किया है उस चैन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन चैन, या उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल चैन। नंबरिंग ऑफ मेन चैन और प्रिंसिपल चैन और पेरेंट चैन फ्रॉम दो साइड दैट द कार्बन थ्रू OH ग्रुप अटैच्ड गेट लोएस्ट और मिनिमम पोजिशन। दूसरा काम आप ये करने वाले हो कि लॉन्गेस्ट चैन जब सिलेक्शन कर लोगे उसके बाद से सेकंड काम एक प्रयोग करने वाले हो कि आप नंबरिंग उस साइड से करो, राइट से करो या लेफ्ट से करो, डाउन से करो या अप से करो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नंबरिंग आप उधर से करो जिधर से OH वाले कार्बन, जिस कार्बन से OH अटैच है, उस कार्बन को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे अगर राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करते हो OH वाले कार्बन को थर्ड पोजिशन मिलता है, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट करते हो OH वाले कार्बन को कितना पोजीशन मिलता है, सेकंड पोजीशन मिलता है। तो लेफ्ट से राइट में सेकंड मिलता है, राइट से लेफ्ट में थर्ड मिलता है, तो लेफ्ट से राइट वाला क्या हो जाएगा, नंबरिंग सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन, सेकंड नंबरिंग फ्रॉम दो साइड, नंबरिंग आप उधर से करने वाले हो जिधर से OH वाले कार्बन को क्या मिलना चाहिए, कम से कम पोजिशन मिलना चाहिए। क्लियर? यह नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट ही पोजिशन दे दो, ये नहीं है, लेकिन जो भी पोजिशन मिलना चाहिए वो लिस्ट होना चाहिए, उससे कम पोजीशन दोबारा कभी नहीं उसमें मिलना चाहिए। अगर उससे भी कम पोजीशन मिलता है और आपने अपने तरफ से नंबरिंग कर दिया है तो वो नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना है कि दैट्स गेट द लोएस्ट पोजीशन, वो कम से कम नंबर उसमें मिलना चाहिए। थर्ड राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच्ड विथ पोजीशन बिफोर द
नेम ऑफ मेन चैन। थर्ड काम करोगे कि जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसमें जो भी क्या होंगे सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनका नाम उनके पोजीशन के साथ, उनका नाम उनके पोजीशन के साथ आप क्या करेंगे मेन चैन के नाम से क्या करेंगे पहले लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लिया, दूसरा नंबरिंग उधर से किया जिधर से क्या हो OH वाले कार्बन को लिस्ट पोजीशन मिले। थर्ड रूल ये होने जा रहे हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं अगर हैं, जो भी ब्रांच हैं अगर हैं तो उनका नाम उनके पोजीशन के साथ आप क्या करेंगे मेन चैन के नाम से क्या करेंगे पहले लिख देंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ एट लास्ट द नेम ऑफ मेन चैन At last, the name of main chain written according to number of carbon plus nature of bond plus suffix, very important point. सबसे लास्ट में क्या करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन देख लेंगे मेन चेन में, उस नंबर ऑफ कार्बन का नाम प्लस नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का नेचर का नाम और साथ में उसके लिए उसके लास्ट के बॉन्ड के नेम से उसके लास्ट वाले ई को डिस्प्लेस करके हम सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज करेंगे ऑल का यूज करेंगे। मीन्स एट लास्ट में हम लोग मेन चेन का नाम लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उस मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन के नाम, उस बॉन्ड में जो आपका चैन है उस चैन में बॉन्ड का नेचर क्या है उस बॉन्ड के नेचर का नाम, ठीक है जो भी यूज करेंगे वो, और जो भी बॉन्ड होगा जैसे सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, वो बॉन्ड का हम लोग नेचर देख करके उसका लिखेंगे और लास्ट वाले उसके ई को डिस्प्लेस करेंगे, उसके लास्ट के ई को डिस्प्लेस करेंगे और तब हम लोग सफिक्स के फॉर्म में क्या करेंगे ऑल का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो हमारा जनरल इक्वेशन हुआ। ठीक है, देखो यहां पर कैसे नाम लिखेंगे, इफ सिंगल बॉन्ड विथ OH ग्रुप, मान लो कि जो तुमने मेन चैन चुना है उस मेन चैन में क्या है सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के साथ क्या अटैच्ड है OH ग्रुप अटैच्ड है, तो उस सिंगल बॉन्ड वाले अल्कोहल का हम लोग IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। कहता है कि अगर आपके मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के साथ अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसके लिए जो रूल बनने वाला है मेन चेन का वो रूल बनने वाला है अल्क प्लस AN ई, इसी ई को यहां से डिस्प्लेस कर देना है और लगा देना है क्या ऑल, सो देयर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड अल्केनॉल। अगर आपके मेन चैन में सिंगल बॉन्ड होने वाला है और सिंगल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप अटैच है तो उस मेन चैन का नाम नंबर ऑफ कार्बन, सो दैट इज कॉल्ड अल्क, जैसे एक कार्बन तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन है तो क्या प्रॉप, फोर है तो ब्यूट, ऐसे करेंगे तो अल्क प्लस सिंगल बॉन्ड है तो ANE, इसी ई को यहां से डिस्प्लेस करेंगे और OH के लिए हम लोग क्या लगाएंगे दैट मीन्स वी यूज द OL, सो देयर नेम इज अल्केनॉल। मीन्स सिंगल बॉन्डेड अगर मेन चैन होगा तो एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड अल्केनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, क्लियर हो गया। नाउ द सेकेंड रूल इज दैट बी इफ सिंगल बॉन्ड ऑल्सो विथ सिंगल बॉन्ड ऑल्सो विथ डबल बॉन्ड विथ OH ग्रुप, ठीक है, अगर मान लो कि आपके मेन चैन में क्या है सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में क्या है
मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ में उसमें क्या है OH ग्रुप भी क्या है अटैच्ड है, उसके लिए जो रूल बनने वाला है वो रूल बनने वाला है दैट इज कॉल्ड अल्क प्लस ENE माइनस E प्लस ऑल, सो दैट इज कॉल्ड अल्किनॉल, दैट इज कॉल्ड द अल्किनॉल। अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ साथ अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसके लिए जो रूल बनने वाला है दैट इज कॉल्ड अल्किनॉल, ठीक है। अगर थर्ड रूल है, नाउ सी इज दैट इफ सिंगल बॉन्ड, इफ सिंगल बॉन्ड ऑल्सो विथ ट्रिपल बॉन्ड विथ OH ग्रुप, ठीक है। अगर मान लो कि क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलावा मेन चेन में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ क्या अटैच्ड है OH ग्रुप अटैच्ड है, उसके लिए जो रूल बनने वाला है वो रूल बनने वाला है दैट इज कॉल्ड अल्क प्लस YNE माइनस E प्लस दैट इज कॉल्ड ऑल, सो देयर नेम इज अल्काइनॉल, देयर नेम इज अल्काइनॉल। This is the general rule for the writing the IUPAC name of aliphatic alcohol. ये हमारा general rule होता है कि aliphatic alcohol का IUPAC naming कैसे किया जाता है। सबसे पहले longest chain select कीजिए, chain ऐसा selection कीजिए जिसमें कि क्या हो, वो carbon भी included हो जिसके साथ OH group attached हो। दूसरा numbering आप उस side से करो जिस side से क्या हो OH वाले carbon को list position मिले। तीसरा rule बनने वाला है कि जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट है उनके पोजीशन का नाम आप पहले लिखो मेन चेन के नाम से पहले, और मेन चेन का नाम आप देख लो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसका बॉन्ड का नेचर क्या है, ठीक है। OH ग्रुप के लिए सफिक्स ऑल लगा लो, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ अगर OH ग्रुप लगा है तो अल्किनॉल के अकॉर्डिंग लिखो, अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड फिर OH ग्रुप लगा है तो अल्किनॉल के अकॉर्डिंग लिखो, अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड लगा है OH लगा है तो अल्काइनॉल के अकॉर्डिंग लिख दो, क्लियर। That is called the general equation. अब मैं जहां पे भी चेंजिंग होगा रूल वहां पे मैं नोट करके आपको बताते चलूंगा कि दैट इज द व्हाट अबाउट द चेंजिंग इन रूल्स। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से नेमिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नेमिंग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सिंपल से स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट अल्कोहल, सबसे छोटा अल्कोहल से हम लोग स्टार्ट करते हैं CH3OH। CH3OH का IUPAC नेम क्या होगा, नाउ IUPAC नेम क्या होगा इसका IUPAC नेम, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, बोलोगे सर लॉन्गेस्ट चेन है क्या, एक तो कार्बन है, बिल्कुल एक ही कार्बन है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक कार्बन हमारा क्या हो जाएगा चेन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हो जाएंगे चेन में, वन। नंबरिंग करना है, नंबरिंग तो यही हो गया, वन हो गया, काम खत्म। थर्ड नंबर राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या इसमें कोई आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो उसका नाम और पोजीशन खत्म। अब आपके पास सिर्फ एक चीज दिख रहा है क्या, मेन चेन, और मेन चेन में कार्बन, तो इसमें कार्बन कितना है वन, दैट इज कॉल्ड मिथ। बॉन्ड का नेचर क्या है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा रूल होने वाला है That is called, देखो इधर, that is called alkenol. तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, that is called AN, ठीक है, और AN क्या लगाएंगे, that is called ANE. अब माइनस E यहां से कर देंगे ना, और OH के लिए क्या अटैच करते हैं that is called, OH के लिए क्या अटैच करते हैं that is called all, so their name is methanol. हमने कुछ नहीं किया, मेन चेन में एक कार्बन था तो इसके लिए मिथ लिख दिया, बॉन्ड के नीचे सिंगल बॉन्ड था तो रूल वही है ANE पूरा AN लिखा। अब रूल ये कहता है कि OH जब अटैच है तो लास्ट वाले E को डिस्प्लेस करके OH का सफिक्स, OH का जो सफिक्स है वो लगा दीजिए, तो OH का सफिक्स हमने क्या लगा दिया दैट इज कॉल्ड ऑल लगा दिया, सो देयर नेम इज मिथेनॉल, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे मिथ एन वन ऑल, ऐसे भी आप लिख सकते, क्योंकि OH कितने नंबर कार्बन पे अटैच था, फर्स्ट नंबर पे अटैच था, सो देयर इज मीथेन वन ऑल। लेकिन कहता है कि जब भी OH फर्स्ट नंबर पोजीशन पे इंक्लूडेड होता है तो आप फर्स्ट नंबर को
को आप इंडिकेट करो या ना करो, ऑटोमेटिक इंडिकेट हो जाता है कि OH कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। तो वन नंबर पोजीशन को कभी भी इंडिकेट नहीं किया जाता है। अगर आप इंडिकेट कर दिए हो तो भी सही है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में जब देखोगे या फिर कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे मीथेनॉल मिलेगा, मीथेन वन ऑल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिथेनॉल मतलब हो गया कि वो कितने नंबर कार्बन पे लगा है, एक, क्योंकि कार्बन तो एक ही है और उसी कार्बन पे OH लगा है, सो दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि दैट इज कॉल्ड कि OH कितने पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, सो दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल होगा। क्लियर? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 CH2 OH, क्या करेंगे इसको? बोलो, बोलोगे सर इतना सिंपल सिंपल बता रहे हो, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। हाउ मेनी कार्बन इन द मेन चेन? टू। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, दो कार्बन का मिला। अब बोलोगे सर नंबरिंग अगर आप इधर से करते हो, देखो अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन है, इस कार्बन को कितना नंबर पोजिशन मिल रहा है? बोलो, सेकेंड पोजिशन मिल रहा है। लेकिन अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो, अभी मैं किधर से किधर गया था, लेफ्ट से राइट की तरफ गया था, लेफ्ट से राइट गया था तो OH वाले कार्बन कितना पोजीशन मिला था? बोलो, देखो सेकंड पोजीशन। लेकिन मैं अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मैं जब गया तो राइट से लेफ्ट जब मैं गया दैट मींस OH वाले कार्बन कितना पोजीशन मिला? फर्स्ट पोजीशन मिला। अब बोलो कौन सा मैं सही मानू, ऊपर वाला सही मानू या नीचे वाला? तुरंत बोलोगे सर नीचे वाला सही है, बिल्कुल, और ऊपर वाला क्या होता है? रॉन्ग मेथड हो जाएगा। अब इसका नाम लिख दो, व्हाट अबाउट द नेम? तो हाउ मेनी कार्बन? सो दैट इज कॉल्ड टू, सो दिस इज कॉल्ड इथ। बॉन्ड का नेचर, सिंगल बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड ए एन, एंड लास्ट वाले ई को हटाओ एंड दैट इज अटैच्ड विद OL, सो देयर नेम इज इथेनॉल। बोलोगे सर इथेन वन ऑल नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, लेकिन OH जब फर्स्ट पोजिशन पे है तो आप उसके पोजिशन को दिखाओ या ना दिखाओ चलता है, सो दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, या फिर जो तुम बोल रहे हो वो भी लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड इथेन वन ऑल। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाम दैट इज कॉल्ड इथेनॉल, क्योंकि ये इंक्लूडेड है कि इथेनॉल मतलब कि OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है और फर्स्ट पोजीशन के पोजीशन को इंडिकेट नहीं किया जाता है मैक्सिमम केसेस में। नाउ थर्ड, CH3 CH2 CH2 OH, नाम लिखो इसका। चलो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? नाउ नंबरिंग, इफ यू गोज फ्रॉम लेफ्ट से राइट, अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो OH को कितना पोजीशन मिलेगा? बोलो, अगर आप तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो OH को कितना पोजीशन मिलेगा? थर्ड नंबर मिलेगा। लेकिन अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो दैट मीन्स फर्स्ट पोजिशन मिलेगा, और हमारा क्या कहता है, लोएस्ट पोजीशन रूल कहता है, कभी भी OH वाले कार्बन को कम से कम पोजीशन देना है। तो अगर तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपके सामने थर्ड आ रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो फर्स्ट आ रहा है, तो लोएस्ट कौन सा हुआ? वन नंबर हुआ। सो दैट मेन नेम इज, हाउ मेनी कार्बन इन मेन चेन? दैट इज कॉल्ड 3, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉप। बॉन्ड नेचर इज सिंगल बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड ए एन, एंड डिस्प्लेसेस द वन, डिस्प्लेसेस द ई बाय द हेल्प ऑफ ऑल। आप प्रोपेन के ई को हटा करके उसके साथ जगह पे सफिक्स ऑल लगा दोगे, सो दैट इज कॉल्ड प्रोपेनॉल, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेन वन ऑल। बोथ नेम इज राइट, दोनों नाम क्या है, सही है। नाउ फोर, CH3 CH OH CH3। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं। एनसीईआरटी में जब तुम देखोगे तो ऐसे नोमेनक्लेचर आपको कम मिलेंगे, ये वाले नोमेनक्लेचर बॉन्ड बना करके कम मिलेंगे। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको ज्यादातर मिलते हैं IUPAC नेमिंग करने में। बॉन्ड आपको इंडिकेट नहीं करेगा, ठीक है ना, और उसका कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला दे देगा, छोटा करके उसका फॉर्मूला तुम्हें क्या कर देगा, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला तुम्हें दे देगा और बोलेगा चलो भाई इसका IUPAC नेम लिखो, दैट इज कॉल्ड द कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि OH का एग्जैक्ट पोजिशन क्या है, बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नेचर क्या है। तो इतना याद रखना कि इफ देयर इज अ नो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, अगर कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड इंडिकेट ना किया गया हो,
इफ देयर इज द नो बॉन्ड इंडिकेटेड इन केस ऑफ कार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड इंडिकेट न किया गया हो, दैट्स मीन्स सिंगल बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड माना जाता है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड इंडिकेट ना किया गया हो तो दैट मीन्स द सिंगल बॉन्ड, वहां पे हम वी कैन एज्यूम दैट दिस इज अ टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड, वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सो देयर इज CH3 सिंगल बॉन्ड CA बॉन्ड OH एंड दिस इज कॉल्ड CH3। क्लियर? नाउ सेलेक्ट द मेन चेन, मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, नाउ नंबरिंग, नंबरिंग कर दो फ्रॉम क्या, लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे या राइट से लेफ्ट जाओगे, बोलोगे सर किधर से भी जाओ ना OH को तो सेकंड पोजीशन नहीं मिलने वाला, बिल्कुल सही है। अगर तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो भी OH को सेकंड पोजीशन मिलने वाला है, और राइट से लेफ्ट जाओगे तो भी तुमको कितना पोजीशन मिलने वाला है, सेकंड पोजीशन, दोनों तरफ से तुम्हें इक्वल पोजीशन क्या होने वाला है, मिलने वाला है। तो आप किसी भी साइड से जा सकते हो, जब दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम गोज फ्रॉम आइदर साइड, आप दोनों में से किसी एक साइड से जा सकते हो। हमने ऊपर वाला सेलेक्ट किया तो मैं नीचे वाला इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए नीचे का मिटा दिया। अब क्या इसमें कोई ब्रांच है, नहीं कोई कार्बन का ब्रांच नहीं है, क्या है सिर्फ इसमें आपका मेन चेन है, सिर्फ इसमें आपका क्या है, मेन चेन है, दूसरा कुछ नहीं है। तो चलो मेन चेन में कार्बन काउंट करो, हाउ मेनी कार्बन, दैट इज 1 2 3, तो 3 कार्बन, सो दैट इज कॉल्ड प्रॉप, बॉन्ड नेचर सिंगल बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड AN। अब अगर किसी ने लिख दिया डायरेक्ट प्रोपेनॉल, ये अगर किसी ने लिख दिया प्रोपेनॉल, अगर किसी ने डायरेक्ट लिख दिया दैट इज रॉन्ग, ये पूरा पूरा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर OH फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है ना, जब फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आप उसके नेम को लिख सकते हो, लेकिन अगर सेकंड पोजीशन पे है तो उसके पोजीशन को आपको बताना पड़ेगा, थर्ड पोजीशन पे है तो उसके पोजीशन को बताना पड़ेगा, ओनली फॉर फर्स्ट पोजीशन के लिए आपको पोजीशन नहीं बताना है, अदरवाइज कोई भी दूसरा पोजीशन आएगा दैट मीन यू विल बी इंडिकेटेड देयर पोजीशन, सो देयर नेम इज नॉट बी प्रोपेनॉल, देयर नेम इज प्रोपेन टू ऑल, द राइट नेम इज, द राइट नेम इज प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, राइट नेम इज प्रोपेन टू ऑल होगा इसका राइट नेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 ब्रैकेट CH3, ठीक है, CHOH, नाउ CH3, दिस इज द एग्जाम्पल 5, ये हमारा 5 नंबर क्या है, एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इसका, वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, क्या करेंगे, वी कैन एज्यूम दैट दिस इज अ टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड, हम एज्यूम कर लेंगे कि यहां कार्बन कार्बन के बीच क्या होने वाला है, दिस इज अ टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड होने वाला है, तो सिंगल बॉन्ड हम एज्यूम करेंगे, नाउ CH3 कुछ नहीं बॉन्ड है, दैट मीन सिंगल बॉन्ड CH, नाउ CH के ब्रैकेट में CH3 लिखा है, जब कोई भी चीज किसी के ब्रैकेट में लिखा होता है दैट मीन्स वी कैन यूज एज ए क्या, अब CH3 को हम मेन चेन में तो नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि अगर CH3 को अगर मेन चेन में लगाएंगे तो कार्बन का पेंटावेलेंसी हो जाएगा, और जनरली याद रखना कि जब भी कोई चीजों को ब्रैकेट में लिखा जाता है दैट मीन्स वी कैन यूज क्या एज ए ब्रांच के फॉर्म में, हम क्या कर सकते हैं, जो चीजों को ब्रैकेट में दिया जाता है वो या तो मेन चेन के क्या होते हैं आउटसाइडेड, या तो नीचे यूज कर सकते हैं या फिर हम उसे कहां लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, जब भी किसी कार्बन के कार्बन का कोई अगर फॉर्मूला ब्रैकेट में दिया हो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ ब्रांच, वो किस फॉर्म में होता है, ब्रांच के फॉर्म में होता है, इसलिए हम मेन चेन में से शामिल न करके हम मेन चेन के आउटसाइडेड इसे कर देते हैं, या तो डाउन साइड में इंडिकेट करते हैं या फिर अपसाइडेड क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो ये CH3 CH पर क्या है एज ए ब्रांच के फॉर्म में लगेगा, तो मेरा मन किया कि मैं इसे नीचे लगा देता हूं, सो दैट इज, लेकिन ये कभी आप गलती मत करना कि CH के ब्रैकेट में CH3 लिखा है, तो ये कभी ऐसे मत कर देना कि दैट इज अ CH3 फिर CH3 के बाद ऐसे CH लगा देंगे, तो देखो अगर तुम यहां पर CH3 लगा दोगे दैट मींस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 3 हाइड्रोजन 1 इधर 4 और 1 5, जबकि कार्बन क्या करता है टेट्रावैलेंसी शो करता है, पेंटावैलेंसी शो नहीं करता है, इसलिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो कैसे इंडिकेट करेंगे, तो जो चीज में ब्रांच, जो चीज में आपका दिया होगा ब्रैकेट में, वी कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच अपसाइडेड, चैन के ऊपर या चैन के नीचे, इंडिकेट करो। अब स्ट्रक्चर बना दो CH3, CH, CH पे क्या लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड CH3, फिर क्या लगा है, दैट इज कॉल्ड CH, फिर यहां लगा देंगे CH, CH पे क्या लगा है OH, चलो लगा दो OH, फिर आगे क्या लगा है, दैट इज अ टाइप ऑफ, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया हमारा मेन चैन। अब क्या करोगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन, चलो ये मैंने चैन को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा मेन चैन हो गया। आप ऐसे भी जा सकते थे, 1 2 3 4 इक्वल नंबर ही मिल रहा है, 1 2 3 4 ऊपर भी 4 ही मिल रहा है। अब आपको करना है मेन चैन का नंबरिंग, किधर से करोगे आप मेन चैन का नंबरिंग, कौन सा साइड सिलेक्ट करोगे मेन चैन के लिए, क्या आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे या फिर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो OH वाले कार्बन कितना पोजीशन मिलेगा, बोलो जल्दी बोलो, थर्ड पोजीशन। लेकिन अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो OH को कितना पोजीशन मिलेगा, सेकंड। सो देयर राइट इज 1 2 3 4। नाउ वन सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, यहां पे क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे क्या हो गया, अवेलेबल हो गया, आ गया। तो जब एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो अब क्या है, आप क्या यूज करोगे, जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम और उसका पोजीशन मेन चैन से क्या किया जाता है, पहले लिखा जाता है, लिख दो मेन चैन से पहले। सो देयर नेम इज 3 एंड CH3 है तो CH3 का नाम क्या होता है, दैट इज अ मिथाइल, सो देयर नेम इज 3 मिथाइल, कितने नंबर पे लगा है देखो, 3 नंबर पे, सो दैट इज कॉल्ड 3 मिथाइल, मेन चैन के नाम से पहले हो गया, ब्रांच का नाम सब्स्टिट्यूएंट का। अब मेन चैन में कितने कार्बन है, 4, सो दैट इज कॉल्ड ब्यूट, बॉन्ड का नेचर सिंगल बॉन्ड AN, नाउ OH इज सेकंड पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड 2-ol, सो देयर राइट नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से मैं क्या करता हूं, आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करवा देता हूं जो कि एलिफेटिक अल्कोहल से क्या है, रिलेटेड है। एलिफेटिक अल्कोहल का आईपीएससी नेमिंग कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी में अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, क्लियर। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं द क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी फ्रॉम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। चलिए, ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं जो हमारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। मैंने आपको 5 अपना एग्जांपल दिया जो काफ़ी सिंपल एग्जांपल थे, फिर मैंने आपको वे हार्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, वे टफेस्ट क्वेश्चन करा देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता हो जाए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपके, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैं ये जो टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, ये टॉपिक जो क्वेश्चंस मैंने लिया है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंटेक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल के क्वेश्चंस हैं और कुछ मैं आपके एक्सरसाइज से भी मैंने क्वेश्चंस कवर किया है। मैंने आपको टोटल यहाँ पे 5 एग्जांपल दिया है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके इंटेक्स के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जांपल के हैं और कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हैं। तो चलिए, एलिफेटिक अल्कोहल से रिलेटेड इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किया जाए। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम मैं डिस्कशन करता हूँ। तो रूल क्या कहता है फर्स्ट, तो जब भी आप चैन को देखो, चैन कैसा है बताओ, एलिफेटिक अल्कोहल वाला चैन है क्योंकि ओपन चैन है। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन इंक्लूडिंग विद दैट कार्बन थ्रू विच OH ग्रुप अटैच। आपको लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है कि साथ साथ में ये भी ध्यान देना है कि जिसके साथ OH ग्रुप क्या है अटैच है, तो बोलो कौन सा कार्बन है, यही है ना, जिसके साथ क्या है OH ग्रुप अटैच है। इस कार्बन को किसी भी शर्त पे छोड़ना नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसका लॉन्गेस्ट चैन क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। चलो ये मैंने किया, ये रहा हमारा क्या लॉन्गेस्ट चैन, ये मैंने अपना क्या किया, लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा बॉन्ड इधर उधर हो गया, सिलेक्शन थोड़ा सा ये रहेगा, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको, और यहाँ है सी एच, यहाँ भी है क्या सी एच। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चैन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये मेरा रहा क्या लॉन्गेस्ट चैन, ये हो गया हमारा
क्या हो गया, दिस इज अ टाइप ऑफ ए लॉन्गेस्ट चैन, ये हमारा लॉन्गेस्ट चैन हो गया। अब करना है नंबरिंग, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से OH वाले कार्बन को क्या मिलना चाहिए, लिस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो OH कार्बन को लिस्ट पोजीशन कहां से मिलेगा, अगर आप नंबरिंग इस साइड से करते हो, किधर से, अगर तुम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाते हो तो OH को कितना पोजीशन मिलेगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हो तो OH को कितना मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, इसलिए वही क्या होगा, सही होगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा नंबरिंग। अब क्या करना है, ब्रांच का नाम मेन चेन से पहले लिखना है। तो इसमें कितने ब्रांचेज हैं, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे और एक CL लगा है यहाँ पर। मीन्स यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है क्या CL का और एक ब्रांच का टाइप है किसका, CH3 का। अब CL मीन्स क्या होता है, क्लोरो, एंड CH3 मीन्स क्या होता है, मिथाइल। तो नाउ सी दैट इफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जब एक से ज्यादा तरह के क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में किसका नाम पहले आता है। तो यहां देखो दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारा क्या, क्लोरो का, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है हमारा किसका, मिथाइल का। अब ABCD में C पहले आएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, M, C पहले आएगा M का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो क्लोरो होगा उस क्लोरो का नाम और उसका पोजीशन मिथाइल के नाम से क्या किया जाएगा, पहले लिखा जाएगा। जब एक से ज्यादा तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो तो जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के नाम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम, उसका पोजीशन दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के नाम और उसके पोजीशन से क्या होगा, पहले लिखा जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या होगा, कैसे लिखा जाए इसका नाम, तो इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड 5-chloro, दैट इज कॉल्ड 5-chloro। एंड ब्रांच में दूसरे कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है क्या, मिथाइल। अब ये मिथाइल कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। कितने कितने पोजीशन पे आया है, 2, 3, 4, इस लिखेंगे इसका 2, 3, 4। तो ये हो गया, दैट इज कॉल्ड 5-chloro, 2, 3, 4, कितने टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स। सो दिस इज कॉल्ड ट्राई, क्या है, मिथाइल, सो दैट इज कॉल्ड ट्राई मिथाइल। एंड हाउ मेनी कार्बन इन मेन चैन, दैट इज कॉल्ड हेक्स, सिंगल बॉन्ड AN, एंड दैट इज कॉल्ड ऑन। सो देयर नेम इज 5-chloro, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ट्राई मिथाइल, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स आता है तो डाई होता, ठीक है, 3 टाइम्स है तो ट्राई हुआ, 4 टाइम्स है टेट्रा हुआ, सो दैट इज कॉल्ड ट्राई मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन इन मेन चैन, 6, सो दैट इज कॉल्ड हेक्स, बॉन्ड नेचर सिंगल बॉन्ड AN, एंड दैट इज कॉल्ड ऑन। इस तरह से NCERT का एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड का लॉन्गेस्ट चैन कैसे सेलेक्ट करोगे, बोलो कैसे करोगे लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन, बताओ तुम, क्या तुम ऐसे चले जाओगे मेन चैन सेलेक्ट करके, ऐसे बोलोगे कि सर गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका एक कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच था वो तो आ गया मेन चैन में, लेकिन एक कार्बन छूट गया जिस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ था, OH कार्बन लगा हुआ था, ये वाला कार्बन क्या हो गया, छूट गया। तो दोनों जब इक्वल ही है, दोनों के साथ OH ग्रुप ही अटैच है, दो भाई है, दोनों का बराबर खेत है, बंटवारा है, और तुम एक को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, एक को कम देते हो, यार झगड़ा करवा रहे हो तुम, दोनों इक्वल है ना, दोनों का सब कुछ बराबर है, दोनों एक ही पेरेंट्स के हैं, तो क्या होगा इस कंडीशन में, किसी एक को सेलेक्ट करना क्या होगा, गलत होगा, आपको दोनों को सेलेक्ट करना होगा, आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना होगा। इसलिए चैन जो आप ऐसे लेकर के गए हो, ऐसे ये चैन ऐसे ना जा करके, ये चैन ऐसे ना जा करके, चैन कैसे जाएगा, चैन ऐसे चला जाएगा, दैट इज द मेन चैन, ये ऐसे होगा मेन चैन, चैन ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा। अब आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, अब नंबरिंग काउंटिंग करो, चलो यहां से अगर करते हो, किधर से, अगर तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो काउंटिंग करो OH को कितना पोजीशन आएगा, तो अगर तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो OH को पोजीशन आएगा 1 2 3 4 5 6, 4 और कितना आएगा, 6 पोजीशन आएगा। कब जाओगे, जब तुम लेफ्ट से किधर जा रहे हो, राइट साइड जा रहे हो तो, लेकिन अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो 1 2 3, 1 और कितना आ रहा है, 3 पोजीशन आ रहा है, कब, जब तुम राइट से किधर जा रहे हो,
जब तुम राइट से किधर जा रहे हो, लेफ्ट साइड में जा रहे हो, तब आ रहा है। अब बताओ कम कौन सा होगा, तो देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कम कितना हुआ, 3 और 1 4 कम हुआ, इसलिए तुम्हारा नंबरिंग कौन सा सही होगा, राइट से लेफ्ट वाला सही होगा, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया, काफी इजी मेथड है। आप क्या करो, दोनों का पोजिशन लिख लो, दोनों को ऐड कर दो, आप पोजिशन जब ऐड करोगे जिसका नंबर कम आएगा नंबरिंग क्या हो जाएगा, वही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, अब अपना सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखो, तो एक 4 नंबर पे है और एक कितने नंबर पे है बोलो। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया है, ये 1 होगा, ये कितना होगा 2, ये 3, ये 4, 5 और ये क्या हो गया 6। तो तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट कितने पोजिशन पे है, एक सेकेंड नंबर पे है और एक कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, इसलिए इसका नंबर होगा 2 और एक कितने नंबर पे है बोलो 5। दोनों सेम तरह के है ना, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो 2, 5 कितने टाइम्स है, दोनों सेम तरह के 2 टाइम्स है, सो दैट इज कॉल्ड डाई। CH3 के लिए क्या लिखते हैं बोलो, मिथाइल, सो दैट इज कॉल्ड डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, सो दैट इज कॉल्ड हेक्स। बॉन्ड का नेचर क्या है, सिंगल बॉन्ड AN, एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोजिशन पे है, तो पोजिशन लिखो या ना लिखो चलता है, अदरवाइज कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख सकता है, हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकता है, चलेगा। That means your second question will be discussed. Now third कैसे करोगे? Longest chain select करो, थोड़ा fast करते हैं। ये हो गया मेरा longest chain. Numbering करना है, किधर से numbering करेंगे? Counting करके देखो, 1, 2, 3, 4 fourth position पे आएगा। इधर से counting करके देखो, 1, 2, 3 third position पे आएगा। कर दो lowest position rule, 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब क्या करो, कोई ब्रांच है, नहीं कोई ब्रांच है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, तो लिख दो हैक्स। क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कितने पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर पे, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, तो हैक्स क्या हो गया, इन हो गया, दैट इज कॉल्ड हैक्स इन हो गया। ठीक है, हैक्स इन। और OH कितने पोजीशन पे लगा है, थर्ड, तो हेक्सीन के लास्ट वाले ई को हटाइए, मैंने ऐसे हटा करके लिख दिया है, सो दैट इज कॉल्ड हेक्सीन, लास्ट वाले ई को हटा देंगे और ई के हटाने के बाद से ये कितने पोजीशन पे, थर्ड पे, दैट इज कॉल्ड ऑल, सो दैट इज कॉल्ड हेक्सीन 3 ऑल, देयर नेम इज हेक्सीन 3 ऑल, या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखता है, दैट इज कॉल्ड हेक्स 1 in 3 ऑल। दोनों सही है, हेक्स 1 in 3 ऑल, ये भी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन, आप खुद से ट्राई करते जाओ, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। नंबरिंग करना है, किधर से करोगे, OH को यहाँ से फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है, यहाँ से करोगे तो फोर्थ पोजीशन आएगा। अब तो समझ में सबको आ गया है, 1, ये 2 हो गया, ये 3 और ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 4। क्या कोई ब्रांच है, बिल्कुल ब्रांच है, एक CH3 ब्रांच है और एक क्या ब्रांच लगा है, BR ब्रांच लगा है। BR और CH3 दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, जब दोनों अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों का नाम मिलाओ, तो ब्रोमो का B, मिथाइल का M, ABCD में B पहले आएगा, तो B का नाम पोजीशन पहले लिखेंगे, सो देयर नेम इज 2 ब्रोमो, दैट इज कॉल्ड 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, दैट इज कॉल्ड 4, सो दैट इज कॉल्ड ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, सो दैट इज कॉल्ड ब्यूट 2 इन। एंड OH इज हाउ मेनी पोजीशन, 1 पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड ऑल, सो देयर नेम इज ऑल्सो रिटन दैट 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑल, ऐसे भी लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि OH फर्स्ट पोजीशन पे है, पोजीशन लिखो या ना लिखो चलता है। क्लियर हो गया होगा आपका, मैंने NCERT के 4 क्वेश्चंस को मैंने आपको डिस्कस किया। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखो यहां पर OH का नंबर कितना है, 1 से ज्यादा है, मींस ये क्या है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इसमें OH का नंबर क्या है, मोर देन वन टाइम्स, 1 से ज्यादा टाइम्स है। तो जब OH का नंबर मोर देन वन टाइम्स होता है, 1 से ज्यादा टाइम्स अगर OH का नंबर आता है, तो आपके मेन चेन के जो ई है, मेन चेन में, मेन चेन का जो लास्ट वाले ई को हम डिस्प्लेस करते थे ना, उस मेन चेन के नाम के ई को डिस्प्लेस नहीं किया जाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप का नंबर, ठीक है, मोर देन वन टाइम्स हो, 1 से ज्यादा बार हो, तो जो भी आपके मेन चेन का नाम होता है, उस मेन चेन के नाम के
ईको डिस्प्लेस नहीं किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1, 2, 3, 4। इधर से भी करोगे तो सेम पोजिशन आएगा, तो 4 होगा, तो दैट इज कॉल्ड ब्यूट। बॉन्ड का नेचर क्या है, सिंगल बॉन्ड, पूरा लिख देंगे ऐसे ब्यूटेन, ऐसे पूरा लिख देंगे ब्यूटेन, तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन, ये ब्यूटेन हो जाएगा। और कितने कितने पोजिशन पे आया है, सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे आया है, सो दैट इज कॉल्ड 2। वाइज कितने पोजिशन पे है, सेकेंड पे, तो 2, और कितने पोजिशन पे, थर्ड, सो दैट इज कॉल्ड 2.3। ठीक है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो दैट इज कॉल्ड डाई, एंड दिस इज कॉल्ड ऑल, सो देयर नेम इज ब्यूटेन 1.2 डाईऑल। अब देखो यहां पे एक जगह मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, सेम इसी तरह का क्वेश्चन सेकंड है, वहां पर भी OH का नंबर कितने टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है, OH का नंबर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और मैंने यहां पे क्या किया है, एक जगह पे क्या किया है, सिर्फ एक ही पोजीशन को इंडिकेट किया है, तो ये माइनर मिस्टेक है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा, आप इसे ऐसे करेंगे, क्या करने वाले हैं, और सब ठीक है, आप क्या करोगे, 2.3 डाइमिथाइल, और क्या करने वाले हो, मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, सो दैट इज कॉल्ड हेक्स, बॉन्ड नेचर सिंगल बॉन्ड AN, और लास्ट वाले ई को अब नहीं लिखेंगे, क्यों, मोर देन वन OH है ना, एक से ज्यादा बार क्या लगा है, फंक्शन ग्रुप लगा है, तो आप पूरा लिखेंगे हेक्सेन, कितने पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड 1, और एक कितने पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, सो दैट इज कॉल्ड 3 डाई ऑन। क्लियर, अब आप इस 1 को नहीं डिस्प्लेस कर सकते हो, क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाओगे, क्योंकि यहां पर दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर आप सिर्फ लिख देते हो क्या हेक्सेन 3 डाईऑल, तो फिर पता नहीं चलेगा कि एक कहां पे है, एक OH कहां पे है, ये पता नहीं चलेगा, इसलिए ऐसे कंडीशन में आप 1 को इंडिकेट करोगे, सो दैट इज कॉल्ड हेक्सेन 1.3 डाईऑल। दिस इज द IUPAC रूल, दिस इज द IUPAC नेमिंग मेथड फॉर द एलिफेटिक अल्कोहल। ये मेरा किसका था, एलिफेटिक अल्कोहल का IUPAC नेमिंग कैसे किया जाता है, उसका मैंने कुछ एग्जाम्पल कराया, कुछ NCERT के क्वेश्चन आप किया, अब आप अपने NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो कैसा लगता है, ठीक है, मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं, ये आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आपके वीडियो काफी अच्छे लगते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, और आप जो भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप बताएं कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, क्वेश्चंस आपके कैसे सॉल्व हो पा रहे हैं, जो आपके नीट के क्वेश्चन हैं, जो आपके जेई मेंस के क्वेश्चन हैं, जो आपकी NCERT है वो प्रॉपर सॉल्व हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ठीक है, ऐसे मुझे जहां तक पता है कि आपका जो भी सपोर्ट है वो काफी अच्छा है, ठीक है, आप अपने कमेंट को जरूर दें वीडियो के देखने के बाद कि सर आपके वीडियो का जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, हम लोग काफी अच्छा से डिस्कस कर पा रहे हैं, हम काफी अच्छा समझ पा रहे हैं, ठीक है, इससे मुझे भी ये अच्छा लगेगा कि मैं जो आपको डिस्कस करके दे रहा हूं वो कितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ अगर और अच्छा करना होगा तो मैं उसमें और आपको बेस्ट लेने की कोशिश करूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, आई होप आपको काफी अच्छा लगेगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आता हूं और अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा IUPAC नेमिंग ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर विथ OH ग्रुप। अगर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसके लिए IUPAC नेमिंग मेथड कैसे करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है वो मेरे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी अच्छा है, आपका सपोर्ट ही है कि अबाउट 4 मंथ की जर्नी में अभी तक हम लोगों ने 650 मीन 650 सब्सक्राइबर गेन किया है, और यूट्यूब ने वीडियो का सिलेक्शन भी किया, ये भी हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही, और सबसे बड़ी बात कि आपका प्यार, जो आपने मुझे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि हम लोग इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये सब आपका सपोर्ट है। ये संकल्प एकेडमी एक परिवार है जिसमें आप सभी सदस्य हैं, और आप सभी सदस्य अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, बेशक अच्छा इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन का या कुछ भी, जितने लोग सब्सक्राइबर हैं वो अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वीडियो कैसा लगता है ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके थ्रू मुझे भी काफ़ी एनर्जेटिक लगेगा, काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी अभी जो भी डेवलप कर रहा हूँ उसमें कहीं से भी छोटी छोटी त्रुटियाँ होंगी तो मैं उसे ठीक करूँगा, तब तक के लिए देखते रहें और जय हिंद।